दिल्ली की भराड़ी में केदारनाथ की तर्ज पर एक मंदिर के निर्माण कराए जाने की चर्चा जोरों पर है। इस पर अब तीर्थ पुरोहितों और विपक्षी दलों ने भाजपा पर खूब निशाना साधा। इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब कहा है कि ज्योतिर्लिंग प्रदेश में ही है और वो दूसरे स्थान पर नहीं हो सकता है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, दिल्ली में बनने वाले मंदिर के लिए केदारनाथ मंदिर के नाम धन बटोरा जा रहा है। बीते कुछ महीनों से एक के बाद एक आतंकी हमलों ने जम्मू कश्मीर को दहलाकर रख दिया है। सोमवार की रात भी राज्य के डोडा जिले में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हो गए। खबरों के अनुसार आतंकियों ने अब जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब से भी घुसपैठ शुरू कर दी। इस मुद्दे पर अंतर्राज्यीय सुरक्षा बैठक में नए तरीकों पर चर्चा की गई है। पंजाब की सीमा के माध्यम से राज्य में घुसपैठ के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अनियमितताओं के खिलाफ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम योगी ने यूपी के आईएएस अफसर देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आईएएस देवी शरण उपाध्याय को अलीगढ़ में पट्टों के आवंटन में अनियमितता सामने आने पर सस्पेंड किया गया। देवी शरण पर अलीगढ़ में जमीनों के पट्टे के मामले में गलत ढंग से आदेश देने के आरोप लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर सकते हैं। महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस के कार्यालय द्वारा जारी प्रारंभिक कार्यक्रम में यह जानकारी दी गई है। सोमवार को जारी कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी का भाषण 26 सितंबर को दोपहर के सत्र में होगा। बाद में उसी सत्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नेपाल के प्रधानमंत्री का भी संबोधन तय किया गया है। केंद्र सरकार के आदेश से लोकसभा के 200 से अधिक पूर्व सदस्यों को लुटियंस दिल्ली में आवंटित सरकारी बंगलों को खाली करने के नोटिस जारी किया गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी। सभी को पब्लिक प्रीमियम्स एक्ट के तहत ये नोटिस जारी किए गए हैं। नियमों की माने तो पूर्व सांसदों को पिछली लोकसभा के भंग होने के एक माह के अंदर अपने सरकारी बंगले खाली करने होते हैं। देश के कई हिस्सों में बारिश का मौसम बरकरार है और कई लगातार तो कहीं रुक रुक कर बरसात हो रही है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचाई हुई है। अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गंगेय, पश्चिम बंगाल, रायसीमा और तमिलनाडु में अगले 24 घंटों के अंदर हल्की बारिश संभव है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बच गए। ट्रंप पर हमले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूं। घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सभी उम्मीदवार दिल्ली में चुनाव हार गए। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। दिल्ली में इंडिया अलायंस की हार पर कांग्रेस के नेताओं ने मंथन किया और इसकी वजह भी जानी। दोनों ही पार्टियों के बीच में समन्वय में भी कमी रही, जिसकी वजह से राजधानी की 7 सीट पर इंडिया गठबंधन की हार हुई। आज 16 जुलाई 2024 को भारतीय शेयर बाजार सकारात्मक शुरुआत के साथ खुला है। बजट से पहले प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त देखी जा रही है। आज यानी मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 66.63 अंकों की बढ़त के साथ 80,331 पर खुला है। अमित मिश्रा ने शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर सनसनीखेज बयान दिया, जिसने फैंस के बीच छलछल मचा दिए। मिश्रा जी ने सीधे तौर पर कहा कि गिल को कप्तानी का कोई आइडिया नहीं है, मैंने उनसे आईपीएल करते हुए देखा है, उसे कुछ पता ही नहीं है कि कैसे कप्तानी की जानी चाहिए। गुजरात के पास राशिद खान को छोड़कर दूसरा खिलाड़ी नहीं था जिसे कप्तान बनाया जाए।